बिल्कुल पागल है। बहुत सुंदर लग रही है। मैं जानती हूँ वो गुस्से की थोड़ी तेज है, मगर दिल की बहुत अच्छी है हमारी तानिया। तू मेरी दोस्त नहीं, बहन है बहन। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, आर्यन की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना क्या? तूने मुझ पर शक किया? मुझ पर? क्या तू विकी से प्यार करती है? मगर विकी से तो मैं मोहब्बत करती हूँ। कोई बात नहीं, नैना की दोस्ती की खातिर मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। क्या नैना ऐसा कभी नहीं कर सकती? विकी तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे क्यों छोटी सी बात पे अपना मूड खराब करती है? हाँ चल ना चले, इट्स पार्टी टाइम। विकी नैना ने अपने आप को मारने की कोशिश की है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तू एकदम पागल है पागल। दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही है, तेरी और विकी की जोड़ी एकदम कमाल है, किसी की नजर ना लगे। अरे हमारी तानिया के हुस्न के आगे वो लड़कियां क्या बेचती हैं। लेट्स गो तानिया, आज इन सबको बता दो कि असली क्वीन तुम हो। तुमने उससे प्यार जरूर किया है, मगर उस प्यार को निभाया तानिया ने है। ये लड़की एकदम पागल है। सबके मना करने के बावजूद मैंने तुमसे दोस्ती की। मेरा ख्याल था तुम एक गरीब लेकिन अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज सिखाई, तुम्हें उठना बैठना सिखाया, हाई सोसाइटी में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया और तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका। मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, इंसान अपने कपड़े और अपना हुलिया तो बदल सकता है, मगर अपनी असलियत और अपनी जात नहीं भूल सकता। मुझे माफ कर दो नैना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं भी विकी की तरह इन सब की बातों में आ गई थी। प्लीज नैना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इस बात पर पार्टी तो बनती है।